सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जिसके पास स्वास्थ्य है उसके पास आशा है, और जिसके पास आशा है उसके पास सब कुछ है। मंजिल पर पहुंचना है तो राह के कांटों से मत घबराना, क्योंकि कांटे ही कदमों की रफ्तार बढ़ा देती हैं। कहते हैं कि वक्त सारे घाव भर देता है, पर सच तो ये है कि हम दर्द के साथ जीना सीख लेती हैं। मनुष्य तो अपने कर्मों से महान बनता है, न कि अपने जन्म से। आज का पंचांग 14 मार्च 2024 दिन गुरुवार, फागुन मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि रात्रि 11:26 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। भरणी नामक नक्षत्र शाम 4:55 तक रहेगी। इसके उपरांत कृतिका नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:04 से 3:33 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:12 से 12:59 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर रात्रि 10:39 तक रहेगी। इसके उपरांत वृषभ राशि पर संचार करेगी, और आज सूर्य कुंभ राशि पर दोपहर 12:38 तक रहेंगी। इसके उपरांत मीन राशि में प्रवेश करेंगी। आप सभी को मीन संक्रांति की शुभकामनाएं। मिथुन राशि 14 मार्च 2024 दिन गुरुवार, हाल ही में हुआ मूल्यांकन आपके लिए अच्छा रहा। दूसरे लोग काम में आपके नेतृत्व कौशल को नोटिस कर रहे हैं। सामाजिक स्थिति में बदलाव अभी क्षितिज पर अर्थात बढ़ोतरी पर है। अगर इस समय धन की कमी है तो चिंता ना करें, क्योंकि आय का कोई नया स्रोत आपको इस तनाव से मुक्त करेगा। अच्छा, आप में ऊर्जा और रिश्तेदारों से मिलने की तीव्र लालसा है। नए लोगों से मिले ताकि आप जान सके कि दुनिया में आपके लिए कितने नए अवसर हैं। आपको विजय मिलने वाली है, बस आप सही समय का इंतजार करें। मुसीबत सब लोगों पर आती है, किंतु कोई इससे बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। आज आप खेलकूद में हिस्सा ले सकती हैं, जो आपको तंदुरुस्त बनाए रखेगा। मनोरंजन में बढ़ोतरी होगी, पर जरूरत से ज्यादा वक्त आप इस चीज में खर्च ना करें। एक खुशनुमा और बढ़िया शाम के लिए आपका घर मेहमानों से भर सकता है। रोमांचक दिन है, क्योंकि आपके प्रिय का फोन आएगा। सेमिनार में हिस्सा लेकर आज आप कई नए विचार पा सकती हैं। चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि आज आपके पास काफी वक्त होगा, लेकिन बावजूद इसके भी आप वो काम नहीं कर पाएंगे जो आपको करना था। आपका जीवन साथी बिना जाने कुछ ऐसा खास काम कर सकता है जिसे आप कभी भुला नहीं पाएंगी। आज आप सामान्य से अधिक भावनात्मक हैं, दूसरे इसका फायदा उठा सकती हैं। कार्यस्थल पर कार्य का दबाव रहेगा, जिससे थकान का अनुभव करेंगी। कुछ समय सहकर्मियों को दे दी या कल के लिए बचा कर रखें। काम थोड़ा भले ही करें, लेकिन गुणवत्ता बनाए रखें। आज किसी खास व्यक्ति के साथ स्वादिष्ट भोजन का लुफ्त भी उठा सकती हैं। इस समय ग्रह स्थिति आपके पक्ष में बनी हुई है। वैसे भी संतुलित और व्यवस्थित रहना आपका स्वभाव में शामिल हो रहा है। आपके उत्तम कार्य प्रणाली से लाभ के भी नए मार्ग प्रसिद्ध होंगे। किसी नजदीकी रिश्तेदार के यहाँ धार्मिक आयोजन में भी जाने का अवसर प्राप्त होगा। पैसों से संबंधित जो नकारात्मकता है वह दूर होगी, और आप नए विचारों पर ध्यान देंगे। दूसरों से मदद स्वीकार करते रहें, लेकिन हर बार दूसरों पर ही निर्भर रहना आपके लिए सही नहीं है। पारिवारिक समस्या दूर करने के लिए आपका महत्वपूर्ण सहयोग रहेगा। करियर के लिए सकारात्मकता बनी रहेगी। रिलेशनशिप के कारण जो निराशा है वह दूर होगी, और सही पार्टनर का चुनाव कर पाएंगी। शारीरिक समस्या होने की संभावना बन रही है। हर एक छोटे बदलाव पर ध्यान देने की भी जरूरत है। आपको अपने परिवार के सदस्यों का पूरा साथ मिलेगा, और जीवन साथी की सलाह आपके बिजनेस के लिए कारगर सिद्ध होगी। आपको अपने मित्र के लिए कुछ रुपयों का इंतजाम करना पड़ सकता है। आपके परिवार में आज छोटे बच्चे आपसे किसी चीज की फरमाइश कर सकते हैं, जिसे आप पूरी अवश्य करेंगी। यदि आपने किसी को बिना मांगे सलाह दी तो बाद में कोई नई समस्या खड़ी हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको महिला मित्र से सावधान रहने की आवश्यकता है। सावधानियां
प्रतिस्पर्धा जैसे गतिविधियों से घबराएं नहीं, क्योंकि हारने का डर आप पर हावी हो रहा है, जिसकी वजह से आपके अंदर नकारात्मक विचार भी उत्पन्न हो सकती हैं। व्यवहार में लचीलापन लाए तथा किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेने से परहेज ना करें। बात करते हैं लव लाइफ की। अगर आप अपने रिश्ते को व्यवस्थित करना चाहते हैं, तो आज का दिन सर्वोत्तम है। अपने परिवार के मध्य में अपने आप को व्यक्त करें। आपके ग्रहों की स्थिति के कारण आप में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जिससे कि आपका परिवार खुश होगा। आज अपनों के साथ जश्न मनाने का एक बढ़िया दिन है। अपनी देखभाल और चिंता को दिखाने के लिए अपने परिवार के साथ समय बिताएं। आपके इन भावों को देखकर वे बहुत खुश होंगी। एक नया रिश्ता आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, लेकिन आप इसे लेकर असमंजस्य में अर्थात उलझन में हैं। अधिक सोचना छोड़कर खुले दिल से इसका स्वागत करें। खुशियों भरे इस दिन रात को ऐसे ही व्यर्थ न जाने दें। साथी के परिवार की परेशानियों में शामिल होकर उन्हें हल करें। आप अपने पुराने मित्रों और रिश्तेदारों से मिलने के लिए बेहद उत्सुक हैं। नए लोगों से मिलें और नए अवसरों का पूरा लाभ उठाएं। आपका जीवन खुशहाल है और इसे सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए आप अपने साथी से सब कुछ शेयर करेंगी। रोमांचक और मधुरता से भरे इन एहसासों को हमेशा अपनी दिल में संजो कर रखें। बात करते हैं करियर की। किसी साक्षात्कार, वार्तालाप या स्वरोजगार के लिए यश में आपके लिए शुभ है। आज कोई भी शक्ति आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। कारोबार को सकारात्मक रूप से देखें, क्योंकि आपके लिए आज का दिन बेहतरीन है। खुद पर और दूसरों पर विश्वास करना ही आपका आज का मंत्र है। आज आप दोस्तों या करीबी रिश्तेदारों से मिलने के बेहद इच्छुक हैं। आपके लिए नए दोस्त खास तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपको दुनिया को देखने का नया नजरिया मिलता है। नई संभावनाओं के लिए अपनी आँखों को खुला रखें। कई लोग अवसरों को अनदेखा करते हैं, क्योंकि वो मेहनत करना नहीं चाहते। आज के दिन उधार दिए हुए पैसे आपको वापस मिल सकते हैं। आज के दिन आप एक ऐसे व्यक्ति से भी मिल सकती हैं, जिसे आप पहले से जानते हैं, और वो आपकी काफी हद तक भविष्य में आय को बढ़ाने में मदद कर सकता है, और यहाँ तक कि ये व्यक्ति आपको अच्छी आय वाली नौकरी दिलाने में भी मदद कर सकता है, जिससे आगे चलकर आपके करियर की दिशा में परिवर्तित हो सकती है। व्यवसायिक कार्य घर से ही क्रियान्वित करें, क्योंकि कुछ पर्सनल बातों की वजह से कार्य क्षेत्र पर जाना संभव नहीं होगा। हालांकि परिजनों के सहयोग द्वारा भी आपकी कार्यभार में सहायता मिलेगी। मार्केटिंग और मीडिया से संबंधित कार्यों में सावधानी बरतें। बात करते हैं सेहत की। अच्छा, आपको अपने शारीरिक फिटनेस को और भी दुरुस्त करने के लिए किसी से प्रेरणा मिलेगी। आप दिमागी तौर पर यह बात अच्छे से जानते हैं कि आपको अपने फिटनेस को सुधारना है, लेकिन करने के नाम पर आप पीछे हटते रही हैं। आज आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो चाहे खुद बहुत अच्छे रूप आकार का स्वामी ना हो, लेकिन आपको अवश्य प्रेरित करेगा। आज आप कोई नया व्यायाम कार्यक्रम या खेल का नया पैटर्न शुरू कर सकते हैं। आज का उपाय, आज आप केले के पेड़ पर जल चढ़ाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।